हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में एंड टू अनदर व्लॉग। देख सकते हो अभी बस उठी हूँ, इट्स अर्ली मॉर्निंग, 9:30 के अराउंड हो रहा है एंड आज मैं एक व्लॉग करने वाली हूँ। आज का वीडियो है एक व्लॉग वीडियो और आज मैं लेने वाली हूँ एक फूड चैलेंज। ये एक फूड चैलेंज वीडियो होने वाला है एंड इस वीडियो में आज मैं पूरे दिन घर का कुछ भी नहीं खाऊँगी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ बाहर से खाऊंगी खाना, बाहर से भी स्पेसिफिकली फ्रॉम डोमिनोज। तो यस, आज का फूड चैलेंज वीडियो होने वाला है फ्रॉम डोमिनोज एंड इट्स गोइंग टू बी आई एट फ्रॉम डोमिनोज फॉर 24 आवर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आज मैं 24 घंटे घर का कुछ नहीं खाने वाली, सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज का ही खाना खाने वाली हूँ। तो अभी जैसे देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग है एंड आई विल गेट फ्रेशन अप एंड अभी 9:30 के अराउंड हो रहा है एंड रेस्टोरेंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है। इट्स गोइंग टू ओपन एट अराउंड 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जब वो ओपन हो जाएगा तो आई विल ऑर्डर माई ब्रेकफास्ट। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा नेचर वॉक कर लेती हूँ। लेट मी जस्ट अप्रिशिएट मदर नेचर एंड वंस व्हेन द रेस्टोरेंट ओपन्स आई विल बी ऑर्डरिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। सब लोग सोच रहे होंगे वाई डोमिनोज, वाई नॉट समथिंग एल्स। तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं अभी जहाँ रह रही हूँ मेरे छोटू से गांव में, गांव तो नहीं, छोटू सा शहर है, तो मेरे छोटू से टाउन में डोमिनोज के अलावा कोई और फूड चेन है ही नहीं। ना मैकडीज़ है, ना KFC है, ना ही तो कोई और फूड चेन है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है एंड दैट्स डोमिनोज। बोर हो गई थी घर का खाना खा खा के, सोचा और बहुत टाइम से मन कर रहा था कि एक फूड चैलेंज वीडियो बनाऊं। तो बस सोचा आज का ही शुभ मुहूर्त निकाला मैंने और कहा कि बस शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ। ऐसा होता नहीं है, जल्दी उठी गई हूँ अर्ली मॉर्निंग। तो सोचा क्यों ना फिर आज एक फूड चैलेंज वीडियो बना लेती हूँ एंड इस चैलेंज में मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन डोमिनोज से ही खाना मंगा के खाऊंगी। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तीनों टाइम का खाना मैं डोमिनोज से ही खाने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या होने वाला है इस वीडियो में, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मैं क्या क्या खाने वाली हूँ डोमिनोज से। आई एम एक्सप्लोर देयर मेन्यू एंड आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खाने वाली हूँ एंड आप लोग बताना मज़ा आया या नहीं आया। फाइनली आई एम डन विद माई एक्सरसाइज, जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है आई एम डन विद दैट। एंड अभी बज गए हैं 11:30, इनफैक्ट 11:40 हो रहा है। डोंट माइंड माई फ़ोन की हालत। एंड 11 o'clock पे यहाँ का डोमिनोज ओपन होता है, तो आई हैव ऑलरेडी प्लेस माई ऑर्डर फॉर ब्रेकफास्ट। अब देख सकते हो ऑर्डर इज़ कन्फर्म नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर माई यमी ब्रेकफास्ट। एंड ये लोग भी सोच रहे होंगे कैसी भुक्कड़ है, कौन है ये भुक्कड़ जिसने सुबह सुबह ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या करूँ, अब भूख लगी, ब्रेकफास्ट तो करना ही है एंड इट्स ऑलरेडी 11:30 एंड मोर देन दैट लाइक 12 o'clock ना हो, तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है भाई। अब चाहे कोई कुछ भी समझे, मुझे तो ब्रेकफास्ट खाना है। तो मैंने ब्रेकफास्ट के हिसाब से ही कुछ बहुत लाइट सा ऑर्डर किया है, बहुत हैवी नहीं, क्योंकि लंच एंड डिनर भी तो करना है, पेट में थोड़ी जगह तो बचनी चाहिए ना। स्टे ट्यून्ड। आ गया, अरे आ गया पिज्जा वाला, आ गया है डोमिनोज डिलीवरी बॉय, आ गया मेरा ऑर्डर लेके। चलो देखते हैं। ये रहा मेरा ऑर्डर, आ चुका है डोमिनोज स्पेशलिटी चिकन मीट बॉल्स एंड चीज़ी डिप एंड डोमिनोज का गिर गया फ्रेशली बेक्ड स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। ये कुछ नया है, ऑर्डर किया था, ये तो लग रहा है कुछ और आ गया है। नहीं, सही है, कुछ नया ही आया, नॉनवेज वाला आया दिख रहा है, तो शायद सही आया होगा, तो खोलने के बाद ही पता चलेगा बाकी। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, फ्रेशली बेक्ड स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड सॉफ्ट एंड चीज़ी। ये आई नो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि ये नॉनवेज वाला है या नहीं, खैर ये तो नॉनवेज है, ये वाला तो नॉनवेज है डोमिनोज। ये स्पेशलिटी चिकन इनका, ये मीट बॉल्स हैं, 5 पीसेस हैं भैया, ये लूट मचा रखी है। इतना पैसा लेते हैं और इतना सा देते हैं, इतना सा सामान देते हैं। अब डिलीवर हो चुका है मेरा ब्रेकफास्ट। मेरी हालत कुछ ज़रा इग्नोर कर देना, बस क्या करूँ मैं, ऐसी सोच के बस भूख लगी है। तो बस आज का मेरा ब्रेकफास्ट, अब मैं जा रही हूँ उसको खाने, बिकॉज बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। चीज़ तो ज़रा कम ही लग रहा है इसमें, आई डोंट नो, इतना चीज़ ही तो लग नहीं रहा है, बट खा के देखते हैं हम। ये बार बार भी चीज़ निकल रहा है इसमें से, आराम से। बहुत गर्मी लग रही है तो मैंने फैन चला दिया, थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी। ये चिकन फ्राइड है, इसमें मज़ा आ गया। और बच्चे हैं ये मीट बॉल्स, तो ये भी मैं खा ही जाऊंगी। ख़त्म, बस बचा है चीज़ी डिप, जिसको मैं ऐसे ही चाट के खा लूँगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ब्रेकफास्ट तो हो गया, सारा कुछ मैं अकेले नहीं खा सकती, तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर लूँगी। ब्रेकफास्ट के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर लंच। तब तक के लिए आप लोग भी आराम करो, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करती हूँ, और फिर हम लंच में मिलते हैं, देखते हैं लंच में क्या खाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आई एम बैक। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैंने लंच तो स्किप कर दिया, बिकॉज इतना खा लिया था कि हिम्मत नहीं हुई कुछ और भी खाने की। आप देख सकते हो 6:01 हो रहा है। लंच मैंने स्किप कर दिया बिकॉज पेट बहुत फुल हो गया था, और मैं थोड़ी कैलोरीज भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो What the fuck? तो मैंने सोचा लंच स्किप कर देते हैं, एंड बट देन मैं फुल टू तैयार होके बैठी हूँ फॉर इवनिंग स्नैक्स। तो अभी मैं कुछ खाऊंगी बिकॉज अब थोड़ी भूख लग रही है, और इतना तैयार होके बैठी हूँ तो वाई नॉट कुछ खा लेते हैं। हाँ, तो the challenge is on, and अब मैं डोमिनोज से कुछ और ऑर्डर करने वाली हूँ। तो लेट्स जस्ट स्क्रॉल थ्रू द मेन्यू एंड देखती हूँ कि अब मैं क्या मंगाने वाली हूँ। अभी जो भी मंगाऊँगी that's going to be very light weight, जो पेट पे मेरे ज़्यादा बोझ ना डाले, क्योंकि रात का डिनर भी तो करना है। तो लेट्स ऑर्डर समथिंग फॉर इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर के टाइम पे देखेंगे कि क्या खाने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डोमिनोज से खाना ऑर्डर कर रही है, बट ये पिज़्ज़ा तो मंगा ही नहीं रही इसने, अभी तक तो पिज़्ज़ा मंगाया ही नहीं। आप लोग यही सोच रहे हो ना डोमिनोज में सिर्फ पिज़्ज़ा ही मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बट मैं पिज़्ज़ा के अलावा उनके मेन्यू से और भी कुछ डिफरेंट सी चीज़ें ट्राई करना चाहती हूँ, एंड आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल जो हम ट्राई कर सकते हैं उनके मेन्यू से। डोमिनोज में पिज़्ज़ा के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं मिलता, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। डोमिनोज इज़ इक्वल टू पिज़्ज़ा नहीं है, बट हाँ ऑफकोर्स उनका मेन मेन्यू तो पिज़्ज़ा ही है, बट अदर देन दैट भी बहुत सारे साइड ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। तो आई डू लव पिज़्ज़ा, बट उसके साथ साथ मैं कुछ साइड ऑर्डर्स भी मेक श्योर करती हूँ कि मैं हमेशा मंगाऊँ। बट दिस टाइम लाइक एज आई एम डूइंग दिस चैलेंज, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, एंड आप लोग को भी बताऊँ कि हाँ इनके मेन्यू में ऐसा कुछ नया भी है, तो आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। साथ में मैं फीडबैक भी दे दूँगी कि कैसा लगा कैसा नहीं, इफ इट्स इवन वर्थ स्पेंडिंग द मनी और नॉट। तो फिर बने रहो, मैं बताती हूँ फिर मैंने स्नैक्स में क्या ऑर्डर किया। So I have ordered one taco mexicana non-veg and one cheesy jalapeno pasta non-veg, क्योंकि वेज पे तो मैं अपने पैसे बर्बाद करती नहीं कभी। अगर मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना होता है तो इट हैज़ टू बी नॉन वेज। वेज खाना तो घर में भी मिल जाता है ना, तो घास फूस पर पैसे की बर्बाद करूँ अपने में। ओके, जस्ट किडिंग। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बट ये फैक्ट, अगर मैं बाहर से खाना खाती हूँ तो दैट हैज़ टू बी नॉन वेज, क्योंकि जब पैसा दे ही रहे हैं तो नॉन वेज खा लेते हैं ना। तो यस, आई एम वेटिंग फॉर माई पास्ता एंड माई टैको मैक्सिकाना। जोरों की भूख लगी है क्योंकि लंच तो किया नहीं था, तो लंच स्किप कर दिया, तो अब भूख लग रही है एंड शाम को तो क्रेविंग होती है थोड़ी स्नैक्स वैक्स की, तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू हैव स्नैक्स एंड फिर डिनर में देखते हैं कुछ पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा मंगा लेंगे। आ गया मेरा पास्ता, ये है यमी पास्ता, क्रीमी सॉस, डिलीशियस चीज़, एक्साइटिंग फ्लेवर्स, पता नहीं क्या 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 जो भी है। इट्स हॉट एंड इट हैज़ कम विद अ टेम्पर प्रूफ सील। और ये है मेरा क्रिस्पी फ्लेकी रैप टैको मैक्सिकाना नॉन वेज। इट्स अ चिकन पैटी, हॉट एंड स्मोकी चिकन पैटी। ओके, ये एक ही आया, पहले तो ये दो टैको मैक्सिकाना एक पैकेट में आते थे। आई वॉज अंडर एन इम्प्रेशन कि इसमें दो ऐसी पैटीज आएंगी, देख सकते हो, बट अब एक ही आया है तो भाई एक ही से काम चलाना पड़ेगा। अब मैं अकेले तो इतना नहीं खा पाऊँगी, बट टेस्ट तो सब ज़रूर करूँगी। और ये है इनका पास्ता, पर ये है लगा हुआ इसमें फोक। तो चलो देखते हैं ज़रा पास्ता, आखिरी पास्ता कैसा है, क्योंकि ये कुछ नया इन्होंने शायद ऐड किया है। पास्ता की क्रेविंग हो रही थी मुझे बहुत टाइम से। वैसे तो आई लाइक पास्ता कुक्ड इन वाइट सॉस, टमाटो सॉस मुझे इतना पसंद नहीं आता, बट लेट्स सी। ये तो काफ़ी यमी दिख रहा है, आई होप सो खाने में भी यमी हो। देखा आप लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें हैं ट्राई करने के लिए डोमिनोज में अदर दैन पिज्ज़ा। अगर आप लोगों को पता नहीं, अगर किसी को ना पता हो तो उसको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी कि आप और भी चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा ऑरेंजी टैंगी सा सॉस दिख रहा है, लेट मी जस्ट ट्राई इट, फिर पता चलेगा कि ये कैसा है। ये टैको मैक्सिकाना मैं टेस्ट करके बताती हूँ, पहले तो अच्छा हो रहा था, अब पता नहीं। गरम भी है बिल्कुल। पास्ता से बेटर है ये टैको मैक्सिकाना। चीज़ करके कतरा चाट के खा लिया, चवनी तक वेस्ट नहीं होने दिया। मज़ा आ गया, इवनिंग स्नैक्स तो मस्त था, पेट भर गया बिल्कुल। अब रात के खाने का जुगाड़ करना है। चलो फिर मिलते हैं डिनर के टाइम पे। क्या यार, ये देखो नहीं दिखता यार, दिख रहा है ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन। ये देखो यही हो रहा है, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। रात का ऑर्डर तो सीम्स लाइक नहीं हो पाएगा। आई नो मुझे थोड़ा लेट हो गया है, लाइक इट्स 10:50 तब से मैं ट्राई कर रही हूँ एंड आई गेस 11 PM पे क्लोज हो जाता है डोमिनोज यहाँ का, दैट इज़ वाई आई गेस। इन चालाक लोगों ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया है, गैस ये चल ही नहीं रहा। देखो तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सीम्स लाइक आई वोंट बी एबल टू प्लेस एनी ऑर्डर एंड डोमिनोज से मैं डिनर ऑर्डर नहीं कर पाऊँगी, सो द डिनर इज़ कैंसिल। चलो अच्छा है, चलो गुड फॉर मी। थोड़ी राइटिंग हो जाएगी, रात का खाना नहीं खाऊंगी बट भूख तो लगेगी रात में। आई डोंट नो क्या है, बस तरीके से रात काट लूँगी, मतलब अपना पेट काट के मैं रात में डाल लूँगी। तो फिर मिलते हैं कल सुबह, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या मैंने रात को कुछ खाया या नहीं। ठीक है, तो फिर मेरा 24 आवर चैलेंज भी कम्प्लीट हो जाएगा। ऑलराइट देन, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अब सुबह हो गई है एंड कल का मेरा डोमिनोज का चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है। सो आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ईटिंग डोमिनोज फॉर 24 आवर्स। रात का डिनर मैं नहीं कर पाई बिकॉज डोमिनोज क्लोज हो गया था। आई हैड टू स्लीप हंग्री, बट क्या कर सकते हैं, चैलेंज के लिए कुछ भी। तो फूड चैलेंज मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, येस। तो मैं पूरा दिन कल मैंने सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज खाया। एंड आप लोग बताओ, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट फ्यूचर नोटिफिकेशंस व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट ज़रूर करना। कॉमेंट्स में बताओ आप लोगों ने डोमिनोज और क्या क्या नया ट्राई किया। मैंने तो काफ़ी कुछ नया ट्राई किया है इस बार। पिज़्ज़ा तो मैं हमेशा खाती रहती हूँ, तो मैंने पिज़्ज़ा के अलावा कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की है। साइड ऑर्डर्स प्लेस किया है इस बार। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया देखने को मिला हो। तो इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने, मदद करो यार थोड़ी चैनल को ग्रो करने में। इसी बात पे मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे नेगेटिव। Bye bye.